नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक सवाल आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने उठाया है कि अगर चारा घोटाला मामले में जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया तो लालू यादव को दोषी करार कैसे दे दिया गया। प्रसाद ने इसे केंद्र सरकार का खेल बताया। एक सवाल आरजेडी को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है, वो ये कि चारा घोटाले में लालू दोषी हैं तो जगन्नाथ मिश्र को बिल किस आधार पर दे दी गई। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले का दोषी करार दिया है। लालू पर सजा का ऐलान 3 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन इस मामले से जुड़े बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को मामले से बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2013 को इस मामले में 4 साल की कैद की सजा पाने के बाद से जगन्नाथ मिश्र को बीमारी के चलते जमानत दे दी गई थी। बहरहाल शनिवार को आए फैसले ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद को चौंका दिया। आरजेडी कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही लालू के खास आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा था कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू को जेल, यही है नरेंद्र मोदी का खेल। उन्होंने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे और जनता के बीच लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसमें हम लोग इस फैसला को सुनकर के निराश हुए हैं, करोड़ों लोग निराश हुआ देश प्रदेश का, लेकिन हताश नहीं हुए हैं, ना हताश होने वाले हैं, और हम लड़ाई एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे और फिर उच्च न्यायालय में इसको चुनौती देंगे और फिर जनता के बीच हम लोग हैं और जनता की लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी इससे और हमारी मजबूत होगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। जो इनके पास जाके नतमस्तक हो जाए वो धुल जाता है, वॉशिंग मशीन है 1100 रोड पे, और जो इनके पास ना जाए उसको आप प्रताड़ित करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस 84 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है, सीबीआई ने एक डीएसपी की कहानी पर डीए केस किया। डीए केस में बेदाग निकल करके आए, सुप्रीम कोर्ट तक से जीत कर गए और एक जज साहब ने जो टिप्पणी की मैं उसको आपके सामने अक्षरशः पढ़ना चाहता हूँ। द जज सेड द सीबीआई वाज एविडेंटली बायस्ड अगेंस्ट लालू यादव। सीबीआई को एक बहुत ही मौलिक रूप से घृणा और वैमनस्य का रिश्ता था लालू यादव जी से। हम बार बार इस बात को दोहराते रहे, जुडिशियल आर्किटेक्चर इस मुल्क में है, इस मुल्क की न्यायिक व्यवस्था, यहाँ की रवायतों में हमारा भरोसा है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि कौन तरह की शक्तियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि लालू यादव, सच्ची शक्ति जो आपको आपके सामने घुटने टेकने से इनकार करती है, आप उसको परेशान करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस तोते की कितनी उम्र है, कितनी ताकत है, इसको झुकना पड़ेगा क्योंकि जुडिशियल आर्किटेक्चर में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। अवैध निकासी पर जिस आदमी ने FIR करवाया आप उसको घेर रहे हो। सृजन घोटाला क्या है साहब, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, अवैध निकासी का मामला है, लेकिन हमारे जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले हैं, कुछ को खाने दूंगा कुछ को खाने वाला बना दूंगा, और उन्होंने वही किया। अगर अवैध निकासी कोई मसला है, लालू जी ने तो FIR करवाई थी। सृजन घोटाले में एक व्यक्ति, जब से ये शुरू हुआ है एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ और वही व्यक्ति वित्त मंत्री बना हुआ है, लेकिन साहब की नजर वहां नहीं जाएगी। साहब की नजर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि जो मुख्यमंत्री है नतमस्तक है, वो धुल गए। 11 अशोक रोड की जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल गए। हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया इस मुल्क की किसी के आगे झुकेगी नहीं। ये एक लोअर कोर्ट का मामला है, सीबीआई कोर्ट का, ये तो हो सकता है 2 पेशी में निरस्त हो जाए, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, लेकिन इस सियासत का हम क्या करें। जो सियासत की कोशिश करती है अगर आपसे पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएगी तो आपको इस तरह से मजबूर करे, उस सियासत का क्या करें जिस तोते को 16,000 गुना की वृद्धि एक व्यक्ति की आमदनी में नहीं दिखती है, क्योंकि वो व्यक्ति रसूखदार है। वो दो व्यक्ति आज मुल्क को चला रहे हैं, तमाम रवायतों को छत विच्छत कर रहे हैं, संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से, हमारे लोग बेहद संजीदगी से इस निर्णय को ले रहे हैं और इस निर्णय से हमारा रिजॉल्व और पक्का हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि न्यायिक प्रक्रिया में जाए
और दूसरा राजनीतिक लड़ाई लड़े। ना राजनीतिक जमीन हमारी खत्म होगी, ना न्यायिक व्यवस्था के अंदर हमें आप खत्म कर पाओगे, जीत हमारी। बहरहाल लालू को सजा मिलने के बाद ट्वीट का खेल चलता रहा। लालू ने इसे धर्मयुद्ध करार दिया तो बीजेपी ने इसे किए गए पाप का फल बताया। बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सुलग उठी है। बात के लिए भाई, आप राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपके कार्यकाल में इतने बड़े रुपए की निकासी हुई और ये निकासी के मामले में आप खामोश रहे, राजनीतिक षड्यंत्र है लालू जी ये, तब तो इसका मतलब न्यायपालिका में भरोसा की बात कैसे कह रहे थे। अब आपको एहसास हुआ होगा आदरणीय लालू जी कि बाबा भोले की नगरी से अवैध निकासी के मामले में कानून का कौन सा इंजेक्शन होता है, इसका एहसास हुआ होगा कि शनि देव का महाप्रकोप आदरणीय लालू जी को झेलना पड़ा और राजनीति में एक भ्रष्टाचार के का जो आइकॉन थे आदरणीय लालू जी, आज नजरिया साफ हुआ कि कहीं भी बलशाली बन जाइएगा लेकिन न्यायपालिका के सामने सच का आईना आपके लिए पर्याप्त है। सजा मिलने तक लालू को बिरसा मुंडा जेल रहना होगा। दोष तय हो चुका है, सजा होनी है होगी, लेकिन सियासत बिहार में होती रही है और आगे भी होती रहेगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो लालू यादव के लिए सजा का ऐलान 3 जनवरी को होना है और तब तक लालू यादव को जेल में रहना होगा। चलिए इस पर चर्चा शुरू करें। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से लालू यादव को लेकर के ये फैसला आया, तो अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि लालू को जेल और वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथ मिश्र बरी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अभिषेक, ये जैसे ये फैसला आया था, ये बात बड़ी सामान्य थी जो लोग लॉ में दिलचस्पी रखते हैं राजनीति के अलावा, कि वो ये देखना चाह रहे थे कि एक पिछले केस में जब जगन्नाथ मिश्रा को लालू यादव के साथ सजा दी जा चुकी थी, तो इस मामले में भी उम्मीद थी कि साक्ष्यों का जो क्वालिटी रही है, वही सीबीआई है, वही क्वालिटी है, वही जज है, उस हालत में फिर से जगन्नाथ मिश्रा को सजा मिलना माना जा रहा था। अगर लालू को सजा होती है तो और लोगों को भी सजा होने की बात मानी जा रही, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि जजमेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि किन आधार पर जज ने ये तय किया है कि लालू यादव का जो षड्यंत्र वाला हिस्सा वह सिद्ध होता है और जगन्नाथ मिश्रा का नहीं होता, तो वो सारा केस सामने आने से ही हमें पता लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि राजनीतिक रूप से इस घटनाक्रम ने राजनीतिक रूप से लालू यादव के समर्थकों को इस बात को इस तरह से पेश करने का मौका दे दिया है कि वो अपना बचाव इस बात से कहें या इस नाम पे वो प्रश्न कर सकें कि सीबीआई फेयर नहीं है। तो जिस तरीके से संजय जी अब लालू प्रसाद यादव को लेकर के ये फैसला आया है, तो कई तरीके के जो राजनीतिक सवाल हैं वो अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच जो अगर बात करें साझेदारों की, उनके लिए कितनी परेशानी होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है, बीजेपी जो है, बीजेपी पे हमले किए जा रहे हैं लालू यादव की तरफ से, बीजेपी हमले कर रही है लालू यादव पे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं शांत दिख रही है, तो इसके पीछे 2019 वगैरह सारी चीजें अब दिमाग में चल रही होंगी। जी, 2019 ये जो समय है 2019 का, तो निश्चित तौर पे ये सारे गणित काफी बनेंगे बिगड़ेंगे। और कांग्रेस के लिए, जैसे हमने दिन में भी बोला था कि कांग्रेस के लिए अब मुश्किल होगी कि वो किस तरह से पेश करे कि वो लालू से अपना अलाइन सके, लेकिन लालू को छोड़ के कांग्रेस की सारी संभावनाएं भी बहुत कमजोर पड़ जाती हैं 2019 में। तो राजनीतिक रूप से तो लालू ऐसी ही शख्सियत हैं जो केस होते हुए उनको किसी ना किसी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप मानिए जब लालू पहले से ही कन्विक्ट हो गए थे किसी केस में, तब भी कांग्रेस के वो पार्टनर रहे, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उन्हें छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन ये तर्क उनके खिलाफ काफी चलेगा कि कांग्रेस जो आज अपने आप को 2G घोटाले के बाद मान रही है, वो साफ सुथरी हो गई है और वो फिर भी ऐसे लोगों के साथ अपना वास्ता रफ्तार रख रही है जिन पे दोबारा से एक केस में और हो गया। बात यह है कि अब अगले 2 केस की परंपरा को देखते हुए, जैसा कि थोड़ी बहुत हमारी जो लीगल समझ है, 4 और केस में लालू यादव बहुत सुरक्षित नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि जो बीच में प्रक्रिया चली, जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश, जब एक पहला कन्विक्शन हुआ तो दूसरा उन्हें तर्क दिया और हाईकोर्ट ने मान लिया कि जब एक केस में सजा हो गई है तो उसी तरह की सिमिलर केसेस में सजा देने की क्या बात है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 6 अगर केस है तो 6 में अलग अलग
अलग अलग मामले सुने जाएंगे और अलग अलग मामले सुने जाते हैं तो उनमें छह की छह में सजा हो सकती है, लेकिन आप देखने की जरूरत यह है कि क्या वो छह में सजा होगी वो कॉन्करेंट होगी या साथ साथ, हालांकि क्योंकि एक साथ नहीं चल रही है, वो किस तरह से काउंट होगी, अलग अलग होगी होगी। उस हालत में ये तो हो सकता है कि लालू यादव की सजा बहुत लंबी हो जाए, या ये है कि जो जो उम्र वाला मामला, जैसे कि जगन्नाथ मिश्रा के मामले में अभी तो खैर वो बरी हो गए, लेकिन इतनी उम्र होने पे, ये सुखराम के केस में इसी तरह से हुआ था कि सुखराम पे सब कुछ सिद्ध हो गया टेलीकॉम स्कैम के बारे में, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने उनको सजा दे के छोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ नलिन वर्मा जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नलिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के मामले में आज फैसला आया है, तो इस पर सवाल खड़े करना कि जगन्नाथ मिश्र बरी हो जाते हैं और लालू यादव को जेल भेज दिया जाता है, क्या ऐसे सवाल खड़े करना जायज है? नहीं, बहुत जायज, जो केसेस का जो केस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उतना जायज नहीं है, इसलिए कि वो केस जो बनता है वो 90 से 94 के बीच में विड्रॉल का मामला है देवघर ट्रेजरी से, और उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद भी थे। जगन्नाथ मिश्रा उस समय पावर के बाहर चले गए थे और उस सत्ता में नहीं थे, जगन्नाथ मिश्रा हटे तभी लालू मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल, ये पर्टिकुलर जो मामला है वो लालू ही उसमें इन्वॉल्व होने की बात कही जा सकती है, इसलिए कि 90 से 94 के बीच का ही विड्रॉल है। इसलिए टेक्निकली हमको लगता है कि कोर्ट ने सोचा होगा कि भाई ये तो मुख्यमंत्री है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, इसलिए उनको वरी कर दिया होगा हमको लगता है। तो सर एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बिहार में इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे राजनीति पे अगर लालू यादव को सजा होती है तो? देखिए, लालू यादव के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि लालू प्रसाद की ये पहली सजा नहीं है। बिल्कुल, और लालू प्रसाद 1997 के बाद से लगातार जेल में जाते रहे हैं और लगातार लंबे दिनों तक जेल में रहते रहे हैं, और इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद 1995 में से लालू प्रसाद 1990 से 95 के बीच जो शख्सियत थे वो बच गए हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही स्ट्रांग वोट बैक उनके पास है मुस्लिम यादव का, जो कि अपने राजनीतिक कारणों के चलते लालू को छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और वो बिहार में 30% के आसपास कलेक्टिव यादव मुस्लिम का वोट बैंक है। ये लालू को वो जेल जाते रहे हैं, कांग्रेस भी उनको साथ देते रहा है, बीच कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद इस सोचना कि उनका राजनीति अफेक्टेड जो होना है वो हो चुका है लालू प्रसाद का, इससे ज्यादा कुछ उनका हो नहीं सकता, ये वोट बैंक उनके पास बना रहेगा। नलिन जी मेरा एक प्रश्न है, मैं संजय शर्मा, मैं आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि जो जगन्नाथ मिश्रा हैं हो सकता है वो इसलिए बच गए कि जिस दौरान की घटना है देवघर वाली, उस टाइम मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगन्नाथ मिश्रा नहीं थे, तो जो पिछला जो कन्विक्शन हुआ था 37 करोड़ का या 36 करोड़ का चाईबासा का, तो उस मामले में दोनों साथ कैसे जोड़ के देखा आप? उस टाइम वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे जैसा मैंने सारा पढ़ा है, तो आप लोग उस टाइम इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट कैसे देखा जाता था और ये इस दोनों इसीलिए कैसे फर्क है? ये मैं आपको एक अंदाजा लगाया, अब कोर्ट के लीगल प्रोसीडिंग्स के फाइनल एलिमेंट्स क्या हैं वो तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, मैंने एक अंदाजा लगाया कि छोड़ा होगा तो इसी एलिबाई पर छोड़ा होगा, लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं तो डिस्प्यूटेड मामला है कि भाई पहले के केस में कैसे उनको पनिशमेंट होगा, वो भी तो केस 90 से 2000 के बीच का है, ये वैलिड पॉइंट है। मैंने एक अंदाजा लगाया कि इसी आधार पर हो सकता है कि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया हो, लेकिन ये प्रश्न तो आपका इसके लिए उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल काम है, इसलिए कि अब कोर्ट ने किस किस क्राइटेरिया को, किस पैरामीटर्स को, किस मेट्रिक्स को लगा करके इनको छोड़ा है, ये इस पर डिबेट और डिस्प्यूट तो हो ही सकता है। जो सवाल आप कर रहे हैं वो बहुत ही लाजमी सवाल है। इस वक्त हमारे साथ अन्नपूर्णा देवी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में आरजेडी की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही सरयू राय
जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं झारखंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी नमस्ते। अन्नपूर्णा जी, आप ही से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब जगन्नाथ मिश्र को बरी किया गया, लालू यादव को दोषी करार दिया गया, तो फिर न्यायपालिका पे सवाल खड़े करने का क्या मतलब मैम? देखिए, हमेशा हम लोगों ने न्यायपालिका का सम्मान किया है। लालू प्रसाद यादव जी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किए, जब भी उन्हें बुलाया गया वो आए, और आज भी हम न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, आस्था है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज का जो निर्णय है ये हम नहीं बल्कि ये लोगों के मन में सहसा ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मामला जब साथ साथ चल रहा था, साथ ही था, मतलब उसके पहले भी हुआ तो दोनों को कन्विक्ट किया गया, उसके बाद ये अचानक आज का जो निर्णय है इसको लेकर लोगों के मन में ये बात, ये विचार आ रहा है। नहीं तो विचार यानी कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर रहे, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे एक तरफ तो विश्वास जता रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए सवाल, क्योंकि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले लोग हैं और लोगों की आवाज दबे कुचले लोगों की आवाज लालू यादव हैं। उन्होंने वैसे लोगों को जुबान दिया जो एकदम पिछले पंक्ति में बैठने वाले लोग थे, जिन्हें कोई कुछ पता नहीं था, वैसे लोगों को वो जुबान दिए, वैसे लोगों को उन्होंने अपना अधिकार क्या है वो उन्होंने सिखाया, उनकी आवाज बनकर वो आगे आए। और जो भी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग न्यायपालिका पे भरोसा तो कम से कम करना बनता है। सरयू राय जी, लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि बीजेपी एक धूर्त पार्टी है और उनकी छवि को, यानी लालू प्रसाद यादव की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक वक्तव्य है और लालू जी भाजपा के बारे, किसी के बारे कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जब जिस समय पशुपालन घोटाला चल रहा था उस समय तो उन्होंने भाजपा को तोड़ दिया था। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को उस समय तोड़ दिया, क्योंकि उनको समर्थन हासिल था भाजपा का। 1990 में अकेले के बूते पर नहीं आए थे, भाजपा के समर्थन से सरकार बनी थी, पार्टी को तोड़ दिया। तो राजनीति में इस तरह के वक्तव्य चलते रहते हैं, मगर ऐसे मौके पर इस तरह के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं होता है। अब लालू प्रसाद जी को न्यायपालिका से सजा हुई है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं, विद्यासागर निषाद हैं, ध्रुव भगत हैं, ऐसे लोग छूट गए हैं। तो न्यायपालिका ने जरूर कोई ना कोई गवाहों के बयान के आधार पर, सबूतों के विश्लेषण के आधार पर न्यायपालिका ने निष्कर्ष निकाला है ऐसा। तो उसमें न्यायपालिका के निर्णय पर नुक्ताचीनी करने का तो कोई अर्थ नहीं है। और घोटाले में लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए 90 से 94-95 के बीच, तो उनको कई लोगों ने चेताया, बताया ये गड़बड़ी हो रही है, गलती होगी। उसमें से मैं भी एक था। मैंने 11 अक्टूबर 1994 को 44 बिंदुओं का स्मार पत्र दिया था उनको कि लालू जी खजाने से अवैध निकासी हो रही है, पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है। उनके अपने मंत्री रामजीवन सिंह जी ने फाइल पर लिखा था कि सीबीआई जांच करा लीजिए। विधानसभा में उन्होंने मजाक बना दिया इसका और कहा कि सीबीआई का हम योनो से जांच करा देंगे। तो ये चीजें होती थी, लालू जी को लोग बताते थे, वो छेद क्या होते तो आज ये जी नहीं पैदा होती। जी आप उन लोगों में से हैं जो इस मुद्दे को अग्रणी होकर उठा रहे थे, और ये मामला असल में इस तरह से, जैसे आप जिस माध्यम से चाह रहे थे कि विधानसभा के मंच से या पार्टी के अंदर, उस तरह से नहीं सुलझ पा रहा था तो मामला कोर्ट तक गया। आप भी, जहां तक मुझे जानकारी, आप भी उन पिटिशनर्स में थे और रविशंकर प्रसाद केस लड़ रहे थे, वो जो पिटिशन जब सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया। देखिए हम लोगों ने जब मामला उठाया था तो हम लोगों की मंशा ये थोड़ी थी कि लालू जी को जेल भेज देना है, क्योंकि लालू जी जेल चले गए इससे समस्या का समाधान नहीं है ये। लालू जी का जेल जाना और लोगों को भले अच्छा लगता हो, मुझे तो इससे प्रसन्नता नहीं होती है। लालू जी को हम लोग बता रहे थे, चेता रहे थे, उस समय पूरी व्यवस्था इस तरह से असंतुलित हो गई थी कि कार्यपालिका है, विधायिका है, विधानसभा की समितियां हैं, लोग न्यायपालिका को भी गुमराह करते रहते थे। तो एक समूह ऐसा खड़ा हो गया था सत्ता के इर्द गिर्द जिसने लालू जी को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तो इसके लिए अगर आत्मविश्लेषण करें तो लालू जी को भाजपा किसी पर दोष डालने के बदले में अपने ऊपर ही दोष डालना चाहिए कि लोगों ने हमको बताया, समझाया, सब किया। हम लोग तो जिस समय न्यायपालिका में गए जांच होने के लिए सीबीआई की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया
कि सीबीआई जांच होगी, हमारी भूमिका तो उस दिन खत्म हो गई। और सुप्रीम ने हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग जब दिया तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जो सीबीआई की जांच हो या न्यायालय की देखरेख में हो। ये लालू जी के वकील थे उस समय, मशहूर वकील थे सोली सोराब जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और पटना में लालू जी विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो। तो सोली सोराब जी के कहने पर, उनके आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना का हाईकोर्ट इस मुकदमे की मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें अगर हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, अगर आरोप साबित हो गए तो भाजपा को दोष देने से तो काम नहीं चलेगा। आपको लगता है कि लालू जी को सरयू राय जी करना चाहिए? लेकिन सरयू राय जी, आप देखिए कि जो लालू यादव पे आरोप जितने हमें कोर्ट में समझ में आ रहे हैं, उससे परे भी पूरी सरकार की फंक्शनिंग के तहस नहस जो होने के लगभग हमें संकेत मिलते हैं। आप कह रहे हैं आपने लेटर लिखा, उसी सरकार में आप देखिए कि बिना बजट के, बजट नहीं पेश हो पाए, लेखानुदान से बजट पास किए गए, उसी सरकार में असल में जो अभी तक घोटालों का जो प्रारूप होता है वो ये होता है कि जो बजट दिया गया है उसमें से ही घालमेल किया जाता है। लेकिन इस केस पे ऐसे भी मामले आए कि जो बजट के बियॉन्ड जाके ट्रेजरी से पैसा निकाला गया, तो आप लोग सब उस टाइम क्या कर रहे थे? आप लोग जो सारा मंत्रिमंडल है या जो सारा सिस्टम है कि जो मॉनिटरिंग करनी होती है हमारे विधानसभा की कमिटीज को, वो सब सिस्टम कहाँ फेल हो गया था कि लालू यादव को इतनी दूर तक, इतनी देर आप लोगों ने मौका दिया? बिल्कुल, वो मौका काफी लंबा मिलता रहा। इसका जवाब एक अन्नपूर्णा देवी जी आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे आखिर में, कि सरयू राय जी को आपने सुना होगा कि दोष अब बीजेपी पे देने से क्या होगा? देखिये, दोस्त इसलिए लोग बीजेपी को दे रहा है, चाहे फिर जो भी बातें आ रही है, क्योंकि हम लोग सामने देखते हैं, व्यापम घोटाला को भी हम लोग देख रहे हैं, सब लोग उसको देखते हैं। व्यापम घोटाला में कितने लोगों की हत्या हो गई, आज तक उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई मैंने टाइम फिक्स नहीं होता, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। सृजन घोटाला आज जो बिहार में हो रहा है, घोटालों का अंबर लगा हुआ है, लेकिन उस पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी से लोगों को ये लगता है कि चूंकि जो भी पाप करके अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो पवित्र हो जाते हैं, और जो लोग अगर नहीं जाए तो फिर उनके ऊपर तरह तरह का लांछन लगता है। आज लालू यादव हो, उनके पूरे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वही व्यापम घोटाला पे किसी पर कोई बात नहीं है, जबकि सीधा सीधा आक्षेप है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें है, सबका है ये दिया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको वो दिख रहा है, अब बिहार में ही अगर देखें तो लगातार मैंने घोटालों का एक के बाद एक, चाहे वो शौचालय घोटाला हो, मिड डे मील घोटाला हो, मतलब एक के बाद एक। चलिए, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जांच जो है वो चल रही है, सरकार उन चीजों की जांच भी करवा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, न्यायपालिका पे भरोसा हर किसी को करने की आवश्यकता है। फिलहाल इंतजार है 3 जनवरी का, जब लालू यादव को सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।